लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत खुदा देता है लोग नहीं। जैसे चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारा हो जाए, इसी तरह ये भी चाहो कि तुम अल्लाह के हो जाओ। मुंह में ज़ुबान तो सभी रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो इसे संभाल कर रखते। ज़िंदगी की ठोकरें बहुत निराली हैं, जब भी लगती हैं किसी की असलियत दिखा जाती हैं या कुछ ना कुछ सिखा जाती हैं। हकीकत हम ऐसे माशरे में रहते हैं जहां लोग ड्रामे देखकर रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं कि सब ड्रामा है। रिश्तों में मुखलिस रहें ताकि रिश्तों को जिया जाए, ना कि बर्दाश्त किया जाए। हथौड़े की आखिरी वार से पत्थर टूट जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पहले वार बेकार थे। हकीकत बस ये है कि कामयाबी मुसलसल कोशिशों का नतीजा होती है। देर लगेगी मगर सही होगा, तुम्हें जो चाहिए ना वही होगा। दिन बुरे हैं मगर ज़िंदगी तो नहीं, सब्र रखो यकीन करो सब अच्छा होगा। सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। लोगों को जांचने का काम तुमने संभाल लिया, हालांकि आमाल तोलने वाला तराजू तो कहीं और है। लोग बीमारी की खौफ से गिज़ा छोड़ देते हैं, लेकिन आज़ाब इलाही के खौफ से गुनाह नहीं छोड़ते। बेहतरीन इंसान वो है जिसका वजूद दूसरों के लिए फ़ायदा मंद हो। ज़िंदगी में कभी बुरे वक़्त से सामना हो जाए तो खामोश रहो, वरना दुनिया तमाशा बना देती है। लोग अजीब होते हैं, गलत साबित होने पर माफ़ी नहीं मांगते, रबते तोड़ लेते हैं। इज्जत तो सबको चाहिए, लेकिन लोग वापस देना भूल जाते हैं। बेखौफ होने के लिए बाकिरदार होना ज़रूरी है। कोई दूसरा शख्स हमारा दिल नहीं तोड़ सकता, हम खुद अपना दिल तोड़ते हैं एक ऐसी जगह पे रहकर जहां हमारी कोई ज़रूरत नहीं। काश हम ज़िंदगी को भी फॉरवर्ड करके देख सकते, पता चलता कि कौन सा रिश्ता उम्र भर के लिए और कौन सा पल भर के लिए। जमा कर दी गई दौलत कभी साथ नहीं जाती, लेकिन दौलत कमाने के लिए अगर गुनाह किए हैं तो वो ज़रूर साथ जाते हैं। सच्चाई की सबसे सच्ची निशानी सादगी और वजाहत है, झूठ हमेशा पेचीदा होता है। एक बात ज़िंदगी भर याद रखना, कभी किसी को धोखा ना देना। धोखे में बड़ी जान होती है, ये कभी नहीं मरता, ये घूम फिर कर एक दिन वापस आपके पास आ ही जाता है, क्योंकि इसे अपने ठिकाने से बड़ी मोहब्बत होती है। बहुत से रिश्ते ख़त्म होने की वजह ये भी होती है कि एक सही बोल नहीं पाता, दूसरा सही समझ नहीं पाता। मेरी ज़िंदगी उस वक़्त आसान हुई जब मैंने ये जान लिया कि हर शख्स अपनी ज़ुबान से अपनी तरबियत और अपना ज़र्फ दिखाता है। उसकी ज़ुबान से निकला हुआ हर लफ्ज़ हकीकत में उसी के लिए होता है, ख्वाह वो दूसरे को गाली बके या तारीफ़ करे। नेक ने नेक समझा, बद ने बद जाना मुझे, जिसका जितना ज़र्फ़ था उतना ही पहचाना मुझे। अल्फाज चाबियों की मानिद हैं, उनका सही इस्तेमाल करके लोगों के मुंह बंद या दिल खोले जा सकते हैं। कोशिश करने से भी कुछ हासिल ना हो तो खामोश रहकर सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दीजिए, अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। दोस्ती 5 मोतियों की एक खूबसूरत माला है, मोहब्बत, कुर्बानी, वफादारी, इत्माद और इत्तेहाद। अगर इनमें से एक मोती भी टूट जाए तो सारी माला बिखर जाएगी।